अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह का टाइम है तो तकरीबन 9 हो गए हैं। हम छत पे आए और देखें 9 बजे से ही काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है छत पे धूप आ गई है। तो ये धूप और तपश से बचने के लिए इन पे जो है वो ग्रीन नेट दी हुई है हमने। तो अभी हम अपनी मुर्गी और दो असील चूज़ों को निकाल के नीचे ले जाएंगे छांव पे, और कबूतर भी दिखाते हैं हम आपको। और ये जो खुशी की बात है दोस्तों, आज हमारे उस कबूतर के एक पैर ने ये देखिए अंडा दे दिए। तो अभी एक अंडा दिया, इसने नीचे अंडा दे दिया था, कोई जगह इसकी नहीं बनी हुई थी क्योंकि गर्मियां थी। तो मुझे लगा कि इसने जो है वो ब्रीड नहीं करनी अभी, लेकिन इसने यहाँ पे नीचे ही अंडा दे दिया था। फिर मैंने ये जो है वो पेटी सी उठा के रखी है, इसमें घास डाला है, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर बैठ जाएगी। तो ये हमारा कबूतर माशाल्लाह जो बीमार था वो अब ठीक हो गया, खाता पीता भी खुद से ही है। तो अब हम इसको शाम को ही बाहर निकालेंगे क्योंकि अभी तो काफ़ी गर्मी है। और इस पैर ने जो है वो ब्रीड की है, इस पैर कंडा है। और ये रहे जी हमारे असील चूज़े वगैरह, हम इसको बाहर निकालते हैं और जो है नीचे लेके जाते हैं, बंद करते हैं और फिर शाम को छत के ऊपर लेके आएंगे और आप सबको जो है फिर दिखाएंगे। अब ये इनको निकालने की देर है, ये खुद ब खुद ही जो है वो नीचे पहुंच जाएंगे। इनको पता है कि हमने जो है कहाँ जाना है, वो देखें ये खुद से जो है ये नीचे जा रहे हैं। अब हम इस जाली को जो है वो दोबारा वापस लगाएंगे क्योंकि बाकी बर्ड्स के लिए फिर गर्मी होती है। ये देखिए दोस्तों, हमारा मुर्गा जो है वो नीचे पहुंच चुका है और बाकी मुर्गी भी इधर ही है, चूज़े भी। और इधर जो है वो हमने पालक वगैरह लगाई हुई है, ये जो है वो उतरते हैं और सीधा नीचे पालक में जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह ख़राब करते हैं। पालक भी हमने इनके लिए लगाई हुई थी, तो जो है वो ऊपर ऊपर से काट के अभी इनको डालते हैं, जो ऊपर चूज़े हैं उनको भी डालते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो आते हैं तो बड़े खुश रहते हैं क्योंकि कच्ची मिट्टी है। तो ये हमने इनको केज में बंद कर दिया है और इनके नीचे पानी फेंक दिया, जगह गीली कर दिया हमने।